to see the difference between business, profession and employment. As the name suggests, first of all, what is business? A person who is doing buying and selling or trading of any activity and getting profit from that particular commercial activity is called business. We are daily buying and selling. We have discussed so many things about concept of business. Then profession. Here a person is having a typical skill. And people come to him about that particular typical requirement only. If there is a teacher, the students will come to him. If there is a doctor, the people who are ill or sick will come to him. If a person is an advocate or lawyer, then the people who are having some problems of law or they are having any dispute, they will come to him. So this is about profession. Then employment, the person is working under some other person. That we are doing services. We are having job. A person who is having job, working in a factory, working in a company, working in an institution, where he is going to get salary as a remuneration for his work, for monthly work. So this is employment. So this is the basic difference between these three. Now we will see the difference one by one. First of all, mode of establishment. How it is established? ये जो भी है business या profession या employment है, कैसे establish होता है? इसकी शुरुआत कैसे होती है? हो सकती है? First a business, entrepreneurs, decision and other legal formalities in place. अगर business आपको establish करना है, तो आप क्या करोगे? आप decide करोगे कि मुझे एक business करना है। और उस business से related जो भी legal formalities होगी, register कराना है, अपना नाम register कराना है, कोई license लेना है, कोई agreement बनाना है, किसी authority से जाके आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, ये सारी बातें आपको करनी है। बैंक में आपको अपने कंपनी के नाम से अकाउंट खोलना है, जो कुछ भी फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी है वो करके आप खुद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर टीचर है तो उसे बीएड, डीएड या पीपीटी या पीटी की जो ट्रेनिंग है वो करनी पड़ेगी। अगर वो डॉक्टर है तो उसको एमबीबीएस या फार्मास्यूटिकल या बीएएमएससी या जो भी डिग्री डॉक्टर की हो सकती है उसको लेनी पड़ेगी। मतलब ये प्रोफेशनल लोगों का इंस्टीट्यूट है, प्रोफेशनल लोगों का ग्रुप है, उसमें उसे मेंबर बनना पड़ेगा। लॉयर है तो उसको एलएलबी करना पड़ेगा, एलएलबी करके वो लॉयर्स के ग्रुप में अपने आप को रजिस्टर करेगा। सीए है तो सीए के ग्रुप में रजिस्टर करेगा। ऑडिटर है तो ऑडिटर के ग्रुप में अपने आप को रजिस्टर करेगा। एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट कैसे स्टार्ट होता है? कोई किसी का इंटरव्यू लिया जाता है, उसे फिर नौकरी के लिए उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जॉब करने के लिए, और फिर एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि वो कई कंपनियों के एग्रीमेंट होते हैं कि कम से कम आप इतने दिन यहाँ काम करना ही पड़ेगा आपको, इससे पहले आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं, और अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी। इस तरह का एग्रीमेंट बनता है। सेकेंड पॉइंट इज नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क आप क्या करोगे बिजनेस में? जो भी गुड्स है उसके साथ आप उसके प्रोविजन है, उसके कई कारण है, या तो आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, या तो गुड्स आप एक जगह से लाओगे दूसरे जगह बेस्ड होगे, या तो ट्रेडिंग करोगे या प्रोड्यूस करोगे, इस तरह गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपोर्ट सर्विस, मैंने जैसा कहा कि ये प्रोफेशनल जो होते हैं वो टिपिकल सब्जेक्ट में स्किल्ड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और वो अपने एक्सपर्ट सर्विस ही लोगों को देते हैं। परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई में जब वो काम करने जाता है तो जैसा उसको काम बताया जाता है उस तरह से उसको काम करना पड़ता है। एक मैनेजर है तो उसे बता दिया जाएगा कि मैनेजिंग कैसे कैसे करनी है, क्या क्या उसके अंडर में आएगा। एक सुपरवाइजर है तो उसको सुपरवाइजिंग के बारे में बताया जाएगा। एक लेबर है तो उसको बताया जाएगा कि तुम्हें किस तरह मशीन पे कितने घंटे आपको मशीन ऑपरेट करनी है, क्या क्या आपको प्रोड्यूस करना है। तो इस तरह जैसा भी एम्प्लॉयमेंट होगा उस तरह से उसको काम मिलेगा। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। जो क्वालिफाई नहीं भी है वो भी बिजनेस कर सकता है, जो क्वालिफाई है वो भी कर सकता है। देयर इज नो लिमिट फॉर क्वालिफिकेशन इन बिजनेस। देन प्रोफेशन में तो भाई जिस फील्ड में आपको प्रोफेशनल बनना है उस फील्ड की जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे किसी को टीचिंग करनी है स्कूल में तो, या कहीं भी टीचिंग करनी है तो उसे कम से कम अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद जो भी डिग्री बनती है वो लेनी पड़ेगी। अगर जैसा मैंने बताया डॉक्टर है तो एमबीबीएस या वो करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन है। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होती है कैसे? जैसा एम्प्लॉयर को जरूरत हो, जिस तरह के एम्प्लॉयर को हो सकता है उस एम्प्लॉयर को बिना क्वालिफाइड
आपकी उस काम की अच्छी खासी एक्सपीरियंस है तो भी कंपनी आपको रख सकते हैं, डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर, ये पूरा एम्प्लॉयर के बिल के ऊपर होता है। फिर है रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न, इसमें बिजनेस में क्या रिवॉर्ड मिलता है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशनल सर्विस चार्ज मिलता है और एम्प्लॉय को सैलरी और वेजेस मिलती है। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा आपको बिजनेस करना है उतना ज्यादा आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा। प्रोफेशनल के लिए ऑफिस वगैरह के लिए लिमिटेड कैपिटल होता है, छोटा सा आप एक ऑफिस खोल के बैठ सकते हैं, किराए पर भी लेकर आप ऑफिस खोल कर बैठ सकते, इसके लिए कोई आपको एक्सेट रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए नहीं, केवल तो मैं तो जॉब कर रहा हूँ तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो यहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिस्क क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सारे के सारे बिजनेसमैन को शेयर करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर रिस्क का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई रिस्क होता है, इरेगुलर होता है। और यहाँ पर प्रोफेशनल को कोई रिस्क नहीं है, आपको जितनी क्लाइंट मिलेगी उतनी आपको फीस मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पर बहुत लो रिस्क होता है। यहाँ पर भी रिस्क होता है लेकिन बहुत लो होता है, क्योंकि अगर आप काम ठीक से नहीं करेंगे तो एक बार आपको निकाल सकते हैं, फिर आप दूसरी सर्विस में कर सकते हैं, दूसरा जॉब पे देख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी रिस्क थोड़ा कम होता है। सबसे ज्यादा रिस्क इसको होता है जो बिजनेस में, इसीलिए लोग जल्दी बिजनेस करने से डरते हैं कि हमारा पैसा डूब न जाए, ये जो डर है यही हमें बिजनेस करने से रोकेगा। देन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसमें ट्रांसफर हो सकता है, एक बिजनेसमैन दूसरे को दे सकता है, बाप जो है वो बेटे को दे सकता है बिजनेस करने के लिए, लेकिन प्रोफेशनल वैसे नहीं कर सकता। अगर डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर के बेटे को भी उतना ही पढ़ाई करनी पड़ेगी जितने पिताजी ने पढ़ी थी, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। और यहाँ पर भी एक एम्प्लॉय या दूसरे एम्प्लॉय को अपना वर्क ट्रांसफर नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेसमैन के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, वो जैसे चाहे अपने बिजनेस को डाल सकता है। प्रोफेशनल्स के लिए तो कोड ऑफ कंडक्ट है ही है, जो कि प्रोफेशनल एजेंसी जो उनकी होगी उन्होंने जो प्रोफेशनल कंडक्ट बनाए होंगे वो सब उनको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे डॉक्टर को क्या है एथिकल, क्या वो कसम खाते हैं, सारे कुछ खाते हैं, जैसे ऑर्गन वगैरह का आप देखते हैं कि सेलिंग वगैरह होती है, ऑर्गन्स का बिजनेस होता है, ब्लैक मेलिंग होती है, ऑर्गन्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है, वो सब इसमें नहीं है, प्रोफेशन में नहीं होता है, आपको एथिकली काम करना पड़ता है। एम्प्लॉय के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एम्प्लॉयर सेट करता है, वो बताता है कि उसको किस तरह से उसके ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करना है, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता। देन एग्जाम्पल, शॉप या फैक्ट्री आप खोल रहे हैं तो आप बिजनेस मैन है, लीगल मेडिकल प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल है, और अगर आप जॉब्स कर रहे हैं बैंक में, इंश्योरेंस में, कंपनी में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप क्या है, आप एक एम्प्लॉई है, आप एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आए। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, थैंक यू।